और संडे ब्रंच की सबसे अच्छी बात गाइस ये होती है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स मिल जाता है। तो गाइज हम आए माधो माधो रेस्टोरेंट में जहाँ पर शिवाजी जयंती सेलिब्रेट की जा रही थी, इसलिए सब कुछ मराठी स्टाइल में था। वहाँ पर सब लोगों ने कॉस्ट्यूम भी मराठी स्टाइल में ही पहने थे। फिर इन लोगों ने हमारा वेलकम किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये देख करके। फिर उसके बाद में मैंने पूरा का पूरा बफे स्प्रेड इन्जॉय किया, देखा कि कितना खूबसूरत डेकोर किया हुआ है सब कुछ मराठी स्टाइल से। जो फूड था, जो वहाँ पर लाइव म्यूज़िक था, वो सब कुछ महाराष्ट्रियन स्टाइल में था गाइज। वहाँ पर आप जैसा कि मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हो। फिर मैं गई मेन कोर्स की तरफ जहाँ पर मल्टी कुजीन के साथ साथ में ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेस भी थी, जिनका प्रेजेंटेशन गाइज बहुत ही ब्यूटीफुली था। सच में मुझे तो मज़ा आ गया देख करके। फिर वहाँ पर वेजिटेबल स्टीर फ्राइड के साथ साथ में स्ट्रीट स्टाइल के नूडल्स, मसाला भात, प्लेन स्टीम राइस, फिर उसके साथ में थी काली बटाना की दाल और महाराष्ट्रन आमटी दाल, फिर वाइट पास्ता इन्जॉय किया गाइज मैंने। फिर उसके बाद में यहाँ पर थी भरवा बैंगन की सब्ज़ी, फिर उसके साथ में थी आलू की सब्ज़ी, फिर उसके साथ में थी पनीर की सब्ज़ी जिसको पनीर साहोजी करके कुछ बोलते हैं, फिर था कोकोनट का सूप, फिर थी यहाँ पर स्टार्टर में गाइस कोथिंबीर वड़ी और साथ में था पनीर तवा फ्राई। फिर उसके बाद में मैंने इन्जॉय किया यहाँ पर मिसल पाव, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम इन्जॉय किया था एक 5-स्टार होटल में मिसल पाव। फिर यहाँ पर थी गाइस मिसल पाव के साथ साथ वाइट पास्ता शेफ बना रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने पूरन पोली पराठा इन्जॉय किया, मुझे तो गाइस मज़ा ही आ गया महाराष्ट्रियन डिशेस देख करके। फिर मैंने चाट काउंटर पर चाट इन्जॉय की, जहाँ पर 6-7 तरीके की चाट थी गाइस। वहाँ पे पानी पूरी, भेल पूरी, सेव पूरी, समोसा चाट, टिक्की चाट, फिर उसके बाद में पालक पत्ता चाट गाइस। फिर मैंने पानी पूरी इन्जॉय की जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया खा के गाइस, बिल्कुल मुझे स्ट्रीट फूड की याद दिला दी। तो मुझे ये लाइव चाट काउंटर भी बहुत पसंद आया। फिर मैं बेकरी सेक्शन में गई गाइस, जहाँ पर बहुत ही अच्छे मफिन्स और डोनट्स की वैरायटीज़ थी गाइस। तो मैंने वहाँ पर से कुछ डोनट्स लिए, फिर डैनिश लिया, फिर कुछ क्रोसॉन्ट लिए, जो कि मुझे मज़ा ही आ गया वहाँ पर देख करके। बटर क्रोसॉन्ट था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खाने में। तो गाइस मैंने इस तरीके से अपनी प्लेट को सजा लिया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने सब टाइप की बेकरी आइटम्स लिए। एंड नाउ आई वॉन्टेड टू इन्जॉय ऑल दिस। Yeah.
रहा है लेकिन पास्ता So guys, I'm eating my food and enjoying so much. फिर मैं गई सैलेड सेक्शन की तरफ जहाँ पर तंदूरी सैलेड, कचुम्बर सैलेड, मूंग स्प्राउट सैलेड, फिर कुकुम्बर सैलेड, फिर बीटरूट सैलेड्स और कुछ डिप्स एंड ड्रेसिंग्स थी जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बना सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर वेज चीज़ सैंडविच भी था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। फिर मैं गई डेजर्ट सेक्शन में जहाँ पर पाइनएप्पल कोकोनट मूस था, शुगर फ्री चॉकलेट रोल आर्ट केक था जो कि स्ट्रॉबेरी के साथ प्रेजेंट किया गया था, फिर वहाँ पर लेमन वेलवेट केक था जिसकी आइसिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी गाइस। फिर वहाँ पर रोज़ वाटर चीज़ केक था जो कि एक नॉनवेज पेस्ट्री थी। फिर उसके बाद में मैंने बनौफी टार्ट्स खाए जो कि बहुत ही यमी थे गाइस। इसका प्रेजेंटेशन कितना ब्यूटीफुल है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हो डेजर्ट सेक्शन कितना ब्यूटीफुली तरीके से सजाया गया है, मज़ा ही आ गया देख करके। फिर वहाँ पर देखा आगे जा करके गुलाब जामुन चीज़ केक था गाइस जो कि एक नॉनवेज पेस्ट्री थी, इसकी भी आइसिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। फिर वहाँ पर फ्रूट ट्रफल था जिसको कि ग्लास में प्रेजेंट किया गया था, मज़ा ही आ गया सच में गाइस देख करके। फिर उसके बाद में वहाँ पर थी ऑरेंज कोको बर्फ़ी, फिर था ऊपर इसके मैसूर पाक जो कि इंडियन डेजर्ट्स हैं ये दोनों ही, फिर मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद में था लास्ट डेजर्ट जो कि था गाजर का हलवा गाइस, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद में ये आइसक्रीम्स के ऊपर डालने की टॉपिंग्स थी, वहाँ पर गाइस मैं आइसक्रीम का क्लिप नहीं शूट कर पाई लेकिन वहाँ ब्लैक करंट आइसक्रीम थी, चॉकलेट थी, वनीला थी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी जिसके ऊपर आप वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डाल करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उन आइसक्रीम्स का मज़ा उठा सकते हैं। तो गाइस अब मैंने अपनी डेजर्ट की प्लेट सजा ली है जिसमें मैंने सारे, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मैंने अपने सारे वेजिटेरियन वाले ही स्वीट डेजर्ट्स लिए हैं गाइस। मुझे सच में बहुत मज़ा आ गया ये सब देख करके। तो गाइज अब मैं अपना डेजर्ट्स इन्जॉय करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया गाजर का हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी था गाइज। फिर मैंने ऑरेंज कोको बर्फ़ी ट्राई की जो कि थोड़ी थोड़ी क्रंची भी थी ऑरेंज के फ्लेवर के साथ में। फिर मैंने ट्राई किया फ्रूट ट्रफल जिसमें सब टाइप के फ्रूट्स थे जो मुझे मज़ा आया खा करके, जो कि अच्छा लगा। फिर मैंने पाइनएप्पल का मूस ट्राई किया जो कि बहुत ही यमी था गाइज। सब ऑल ओवर जो डेजर्ट थे वो बहुत ही यमी थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये डेजर्ट्स का पूरा स्प्रेड। वहाँ पर नॉन वेज और वेज दोनों ही ऑप्शन डेजर्ट्स के बहुत अच्छे थे। फिर गाइस मैंने इन्जॉय किए अपनी ये बनौफी टार्ट्स जो कि मुझे कुछ स्पेशली लगा और मैं इसको आराम से इन्जॉय कर रही थी। फिर वहाँ पर गाइस लाइव म्यूज़िक भी इन्जॉय किया हमने जो कि वो मराठी सॉन्ग्स भी गा रहे थे और हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गा रहे थे गाइस। फिर गाइस मैंने अपना चाट कुजीन इन्जॉय किया गाइस जिसमें मैंने पालक पत्ता चाट, सेव पूरी, दही पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, मिसल पाव, मैंने सब टाइप का चाट इन्जॉय किया गाइस। मुझे तो मज़ा ही आ गया ये चाट इन्जॉय करके। 5-star होटल में स्ट्रीट स्टाइल का चाट इन्जॉय करने को मिल जाए और क्या चाहिए गाइस आपको यार। पानी पूरी का तो जो पानी था इतना चिल्ड था ना गाइस, मुझे तो मज़ा ही आ गया खा करके, खट्टा और तीखा पानी, इट वॉज यम। तो गाइस मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ अपना चाट प्लेटर जिसमें मैं अब खाऊंगी भजिया पाव। आई नो गाइस मुझे चाट खाते हुए देख करके आप लोगों के भी मुंह में पानी आ ही गया होगा गाइस। फिर गाइस वहां पर एक लावणी डांस हुआ जो कि एक मराठी फोक डांस है जिसे देख के मजा ही आ गया गाइस। ये लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे गाइस। फिर
फिर मैंने इंजॉय किए गाइस कुछ मॉकटेल्स, जिसमें कि मैंने ट्राई किया ब्लू लगून, टैंगी गुआवा और काला खट्टा, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग थे गाइस। So we are open from last 1.5 years. For the restaurants, our feature is our brunches are top of the line. Yeah. So always, if you see some of the other weekends, today I enjoyed a Maratha tea. So the entire decor was there, made in such a way that you can actually experience. And again, in future, we are starting up with. जैसा कि एक्सपीरियंस में बता रहे हैं कि आगे भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे थीम्स वाइज होने वाले हैं। सो गाइस प्लीज आई वुड ऑल ऑफ यू रिकमेंड कि प्लीज यहां पे जरूर आकर के संडे ब्रंच एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आज मैं सेलिब्रिटी सोनाली कुलकर्णी से मिली, तो आप देख ही सकते हो उसके साथ मेरी फोटोज, तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ मिलकर। शी इज डैम गुड एक्ट्रेस एंड रियली डाउन टू अर्थ, तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिल करके। तो वो फोटो भी मैंने आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर दिए गाइस। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग पूरा बहुत पसंद आए गाइस। यहाँ पे अगर आप संडे ब्रंच करने आते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं 12:30 to 4 PM। जी हाँ, आप 12:30 to 4 PM के बीच में आप अपना संडे ब्रंच इंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर पर्सन कॉस्ट पड़ती है 2400, मतलब 2400 रुपये एक जने का यहाँ पर पड़ता है विद इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले, तो आप नियर बाय से थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और जैसे कि आज हम लोग आए थे तो यहाँ पर मराठा थीम रखी गई थी, उस हिसाब से यहाँ पर सब डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हुआ था, लाइव म्यूजिक हुआ था यहाँ पर, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेज भी थी। तो गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप ओकेजनली आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे थीम बेस्ड यहाँ पे फूड आइटम्स पूरा वैराइटीज मिलता है। तो गाइस अभी के लिए मैं ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये ब्लॉग मेरा बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ क्या करना पड़ता है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर सोनल लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस ब्लॉग एंड गाइस टिल देन बाय, टेक केयर।